हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस, करेंटली अभी हम लुसेल मेट्रो स्टेशन पे है और यहाँ से ना गाइस हम लोग जहाँ जाने वाले वो जगह बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फैंटास्टिक है। तो गाइस वहाँ जाएंगे हम लोग और आज बहुत एंजॉय करने वाले, सो लेट्स गो। सो गाइस, इधर से बाय वॉकिंग कतई फैन भी जा रहा हूँ मैं। एंड ये ब्रिज पे हूँ मैं अभी। ब्रिज ना भाई बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, बहुत बड़ी है, मज़ा आ रहा है। लेकिन बहुत ठंडी है, मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गाड़ियाँ एक से एक जा रही है। और चलो देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। 5-10 मिनट है इधर से और रास्ता चल के, फिर कतई फैन बीच में वहाँ पे देखते क्या शॉट है, वहाँ पे एंजॉय करते थोड़ा। सो गाइस, फाइनली अभी मैं कतई फैन बीच पे आ गया था। यहाँ पे बाहर खड़ा था और एंट्री ले रहा था मैं, और एंट्री मिल गई थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने गाइस एक्वा लिया, माउंटेन ड्यू लिया और पहले आराम से एकदम फुल एंजॉय किया। सो गाइस, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हुक्का पीने के बाद गाइस मैं निकल गया जहाँ पे मेन इवेंट हो रहा था, जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था, जहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट आने वाले थे परफॉर्म करने, वो साइड जा रहा था। और गाइस यहाँ पे लाइन से पूरा स्ट्रीट फूड था और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें थी, और लोग एक साइड मतलब ले रहे थे और एक साइड बैठ के आराम से इंजॉय कर रहे थे। सो गाइस, एंट्री हो चुकी है, फुल एंजॉय। सो गाइस, एंट्री मिलने के बाद सबसे पहले मैं एकदम स्टार्टिंग वाले रेंज में चला गया और यहाँ पे पब्लिक बहुत थी, काफ़ी ओवरक्राउडेड थी और बाहर भी काफ़ी लोग खड़े थे, तो मज़ा तो बहुत आ रही थी। ऑलमोस्ट सब फॉरेनर्स ही थे यहाँ पे, सब इंजॉय कर रहे अपना और मैं भी कर रहा था। मोस्टली क्या यहाँ पे अरबी गाना ही बज रहा था, तो कुछ ज़्यादा कुछ मुझे समझ रहा नहीं था। अपनी VIP एंट्री है भाई, तो सब चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री में अपने को फ्री है। तो बर्गर लिया मैंने पहले, सो गाइस अभी बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत डांस किया। एंड अभी मतलब बर्गर एक खाया मैंने, उसके बाद जाते स्वीट डिश को खाते, केक वेक, उसके बाद फुल इंजॉय। रात भर खाली बचते रहना है, फुल इंजॉय करना है आज खाली। आए बहुत 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 मज़ा आ रहा है भाई, फुल इंजॉयमेंट है यार, फुल VIP एंट्री हो गई है ना भाई, सब चीज अपने लिए फ्री है, खाली रिंग को छोड़ के बस, और कुछ नहीं, और रिंग तो करते भी नहीं है, तो बाकी सब इंजॉय करते, लेट्स गो। सो गाइज, मैं हुक्का पी रहा था और अचानक से ही ना गाइज फायरवर्क का शो चालू हो गया, और मैं देखा और मतलब हुक्का हुक्का छोड़ के ना आगे जाने लग गया फायरवर्क्स अच्छे से देखने के लिए। और पूरी पब्लिक उठ के मतलब समुंदर के साइड जा रही थी, और इतना प्यारा था ना, मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा मैंने कुछ देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में पूरे, ऐसा फायरवर्क बहुत ही प्यारा था। और मेन बात जो था ना इसका, पूरे समुंदर के बीचों बीच में ना इन लोगों ने ऐसा इंतज़ाम किए थे फायर वर्क का, मुझे तो लगता है गाइस लाखों कतरी रियाल इसमें इन लोगों ने खर्चा कर दिए रहेंगे। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही शानदार था, और पब्लिक मतलब ऐसा देख रही थी ना आके, मतलब सब खुश हो गए थे। सो गाइस, आप लोग भी देख लो ये फायर वर्क, और इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी शादी में ऐसी फायर वर्क रखना, बहुत मज़ा आएगा। और गाइस ऑलमोस्ट ये फायरवर्क मुझे लगता है हाफ एन आवर तक चला, और मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना कि पब्लिक हट रही नहीं है, देखते जा रही है,
और इतना खूबसूरत था ना यार कि मतलब आधा घंटा भी बहुत कम लग रहा था, इतना खूबसूरत था वो मंजर ही, बहुत हसीन था। और जब फायरवर्क एंड होने आ गया ना गाइस, ऐसा लग रहा था कि आसमान से तारे टूट रहे सब। तो गाइस यहाँ पे बहुत एंजॉय किया यार, अभी फुल हुक्का हुक्का पी के मतलब फुल फ्रेश हो गया। उसके बाद अभी खाना भी खा लिया मैंने, अभी जाके सिर्फ डायरेक्ट नाचना है, मचाना है, उसके बाद वापस एक हुक्का लेंगे, हुक्का पियेंगे, पूरा रात भर यहीं पे मचाएंगे, डायरेक्ट सुबह जाऊंगा घर पे मतलब अकोमोडेशन पे अपने। सो लेट्स गो, देखते हैं अभी मजे करते हैं। 1 2 1 2 3 4 गाइस। फाइनली मैं कतेफी आइलैंड से निकल गया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मुझे होटल पे भी पहुंचना था क्योंकि कल अगले सुबह काफ़ी काम थे मुझे। तो फिर गाइस मैंने जैसे निकला तो मुझे एक बंदा मिल गया जो मुझे लिफ्ट दे दिया। और गाइस यहाँ पे पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है वरना फाइन लग जाता है। सो गाइस मैं अकेले आ रहा था यहाँ पे कतेफी आइलैंड से, भाई लक्तेफिया तक भाई ने मेरे को छोड़ दिया। भाई आपका नाम बता दो भाई। सुनील भाई। भाई बहुत कम लोग हैं भाई यहाँ पे कतर में मदद करते हैं भाई, लेकिन अपने सुनील भाई अपने नेपाल से भाई मदद किए भाई अपनी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और अपना यूट्यूब चैनल है भाई अशरफ रजा ब्लॉग्स, ठीक है, एक दो हफ्ते में ये वीडियो आ जाएगी। भाई भाई की गाड़ी देख लो भाई, बेनिली एक नंबर। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई।